हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये है मेरा DIY का सामान, कबाड़ से जुगाड़। तो देखिए, ये है मेरे पेंट ब्रश जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये हैं फेविकोल के खाली डिब्बे जिनको मैंने कटिंग करके ऊपर से और पेंट करके सुखा लिया है। और अब मैं मार्कर की मदद से इनके ऊपर इमोजी बना रही हूँ ताकि ये खूब सुंदर दिखें। तो फ्रेंड्स, ये जो हैं डिब्बे 3 लीटर के डिब्बे हैं, जो मेरे घर में काम चला था लकड़ का, तो उस वक्त ये खाली हुए थे। तो आप भी देखिए कि कोई भी जो खाली डिब्बे होते हैं वो फेंके नहीं जाते, तो उनको कैसे DIY में मैंने कन्वर्ट किया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ये डिब्बे। तो मैंने इन पे इमोजी बना लिए हैं। तो अब इनमें हम पौधे लगाने जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैं लाती हूँ मिट्टी। तो ये देखिए मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट मिट्टी, ये जो है रिवर सैंड, और इसके साथ ही ये है चावल की जो हस्क होती है उसको, इन सबको हम जो है इकट्ठा मिक्स करेंगे। मिक्स करके जो है हम इन सारे डिब्बों में भरेंगे इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और जो मैं इसमें लगाऊंगी प्लांट्स वो हैं बोगनवेलिया के प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 4 कटिंग लगाई थी बोगनवेलिया की इस छोटी सी बास्केट में। और फ्रेंड्स, ये हैं मेरे दिवाली के वही दिए जो दिवाली पर मैंने जलाए थे। तो देखिए, इनको तोड़कर जो है इन डिब्बों में रखेंगे। ड्रेनेज होल जो मैंने डिब्बे में बनाए हैं उनके ऊपर इनको जो है दियों को सेट किया जाएगा। तो देखना आप भी, ये एक एक डिब्बे में मैंने 3-3 ड्रेनेज होल बनाए हैं ताकि पौधे अच्छे से जो है ग्रो हो सकें। तो ये देखिए, 3-3 ठीकरी मैंने इनमें लगा दी है। अब इनमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पौधे की एक एक करके कटिंग। तो जो ये दीपक का जो कचरा बच गया है ये भी इसी मिट्टी में हम मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इस बास्केट में मैंने 4 कटिंग लगाई थी बोगनवेलिया की, जो चारों की 4 कटिंग मेरी जो है ग्रो हो चुकी हैं। और ये देखिए, एक डिब्बे में हमने मिट्टी भर ली है। हम ऐसे 4 डिब्बों में जो है हम मिट्टी भर लेंगे। ये देखिए, मिट्टी हमने भर ली है। अब एक एक करके हम इसमें से, ये देखिए, 4 मैंने प्लांट जो लगाए थे, चारों प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं बोगनवेलिया के। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम अच्छे से इस प्लांट को निकाल लेंगे, बहुत ही ध्यान पूर्वक इस प्लांट को जो है हम निकाल लेंगे। और फिर जो है उसी फेविकॉल के डब्बे में जो पॉट बनाया है उसमें 1 by 1 करके हम लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से निकल गया है हमारा प्लांट। तो बहुत लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि कटिंग 4 से 5 लगानी चाहिए एक प्लांट की, तब जाके 2 या 3 ग्रो होती हैं। लेकिन मैंने 4 कटिंग लगाई, मेरी चारों की 4 कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, जब अपने हाथ से हम प्लांट लगाते हैं या पॉट बनाते हैं तो देखिए कितनी खुशी होती है जब वो ग्रो हो जाते हैं। ये देखना फ्रेंड्स, कितने सुंदर लग रहे हैं प्लांट लगाकर ये पॉट। ये देखो, अब मैं लगा रही हूँ 3rd प्लांट। और इस बास्केट में मेरा एक जेड का प्लांट लगा हुआ है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है इन प्लांट्स के साथ। ये देखिए, दूसरी कटिंग भी मेरी कितनी अच्छे से ग्रो हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी कटिंग भी लगकर तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा ये पॉट। और इस बास्केट में भी जो है बहुत ही लूज मिट्टी डाली थी मैंने। तो ये देखिए, ये 3rd नंबर का जो है बोगनवेलिया कटिंग से जो उगाया हुआ 3rd नंबर का बोगनवेलिया है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। और ये जो सामने दिख रहा है ये 4th नंबर का है जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
कबाड़ से जुगाड़ हमने कर लिया है। चारों पॉट बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये लगा रहे हैं हम चौथी कटिंग। ये देखिए चौथी कटिंग भी कितनी अच्छी, कितनी बड़ी हुई है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। जो इस बास्केट में सॉयल थी वो भी बहुत ही अच्छी सॉयल थी, जो कहते हैं हल्की सॉयल। तो फ्रेंड्स ये भी, इसमें भी मैंने बहुत हल्की सॉयल डाली है ताकि ये पौधे जो है अच्छे से ग्रो हो सके। तो फ्रेंड्स बताना मेरा ये कबाड़ से जुगाड़ आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स चारों प्लांट बहुत अच्छे से लग चुके हैं और बहुत अच्छी मिट्टी इनकी जो है डाली है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ताकि अच्छे से ग्रो हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये देखिए चारों प्लांट्स हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।